हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर थर्टीन सम्मि प्रश्नावली तेरह पॉइंट दो से क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक के सम्मित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए तो देखिए यहाँ पर हमें आकृति दी गई है हमें ये बताना है कि इन आकृतियों में हम कितनी सम्मित की रेखाएं खींच सकते हैं यानी हम इसमें कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं हमें ये बताना है तो ए पार्ट देखिए ए पार्ट में हमें ये एक वर्ग की आकृति दी गई है अब इस वर्ग की आकृति में हम कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं हमें ये बताना है देखिए सम्मिति की रेखा क्या होती है ऐसी रेखा जो एक आकृति को दो बराबर भागों में बांटते वो सम्मिति की रेखा कहलाती है तो ए पार्ट में देखिए अब ये वर्ग की आकृति अब इसमें देखिए हम कितनी सम्मित की रेखाएँ खींच सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो इस तरह से सेंटर में हम एक समिति की रेखा खींच सकते हैं तो देखिये है, यहां से सेंटर ले लिया और यहां से ये सेंटर ले लिया अब एक समिति की रेखा हम ऐसे में खींच देंगे तो देखिए एक समिति की रेखा तो ये खींच दी हमने देखिए अब इस आकृति के ये दो बराबर भाग हो रहे हैं अगर इस भाग को इस तरह से उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढक लेंगे उसके बाद देखिए इसमें हम एक और समिति की रेखा खींच सकते हैं इस तरह से बिल्कुल सेंटर में खींचनी है तो देखिए एक सम्मिति की रेखा हमने अब ये खींचती अब इस आकृति की ये दो बराबर भाग हो गई है ठीक है फिर देखिए अब इस कोने और इस कोने को मिलाते हुए एक और समिति की रेखा हम खींच सकते हैं देखिए देखिए एक सम्मिति की रेखा ये खींचती है अब इस आकृति के ये दो बराबर भाग हो गए अगर इस भाग को इस तरह से उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे फिर देखिए अब इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाते हुए एक और सम्मिति की रेखा हम खींच सकते हैं तो देखिए एक और सम्मिति की रेखा हमने खींच दी अब इस आकृति के देखिए ये और ये ये दो बराबर भाग अगर इस भाग को इस तरह से उठाकर इस दूसरे भाग के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे तो देखिए ये जो वर्ग की आकृति है इसमें हम कितनी सम्मति की रेखाएं खींच सकते हैं देखिए एक दो तीन चार चार खींच सकते हैं तो ए पार्ट का आंसर क्या आया चार यानी ए पार्ट में जो आकृति हमें वर्ग की दी गई है उसमें हम सम्मिति की चार रेखाएँ खींच सकते हैं बी पार्ट देखिए बी पार्ट में अब हमें यह आकृति दी गई है अब इसमें हमें बताना है हम कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो एक सम्मित रेखा हम इस तरह से बीच में सेंटर में खींच लेंगे देखिए ठीक बीच में खींचनी है तो देखिए एक सम्मित रेखा हमने ये खींच ली अब देखिए साकृति के दो बराबर भाग हो गए और इस भाग को इस तरह से उठाकर इसके ऊपर रखूंगी तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे उसके बाद देखिए एक और सम्मित रेखा खींच सकते हैं हम इसमें इस तरह से बिल्कुल सेंटर में खींचनी है तो देखिए इसमें हमने ये एक और सम्मित रेखा खींच दी है ठीक है अभी साकृति के ये दो बराबर भाग हो गए हैं अब देखिए इसमें हम ऐसे एक और सम्मिति की रेखा खींच सकते हैं ऐसे में तो देखिए ये एक और सम्मित रेखा हमने खींचती अभी आकृति के ये दो बराबर भाग हो गए इसी तरह से इसमें हम ऐसे में एक और सम्मित रेखा खींच सकते हैं तो देखिए ये एक और सम्मित रेखा हमने खींच दी अभी आकृति के ये दो बराबर भाग हो गए हैं तो देखिए इस आकृति में हम कितनी समित रेखाएं खींच सकते हैं देखिए एक दो तीन चार चार सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं तो बी पार्ट का आंसर है चार कि हम चार सम्मित की रेखाएं खींच सकते हैं अब सी पार्ट में देखिए हमें ये आकृति दी गई है अब इस आकृति में बताना है हम कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं सबसे पहले तो देखिए एक सेंटर में इस तरह से एक सम्मित रेखा खींच लेंगे हम देखिए ठीक सेंटर में खींचनी है तभी तो दो बराबर भाग होंगे ना ठीक है तो ये एक सम्मित रेखा ऐसे में खींच ली फिर देखिए एक और सम्मित रेखा हम इस तरह से खींच सकते हैं तो देखिए ये एक सम्मित रेखा खींच दी तो देखिए ये एक और सम्मित रेखा खींच दी हमने अभी साकृति के ये दो बराबर भाग हो गए अगर इस भाग को इस तरह से उठाकर दूसरे भाग के ऊपर रखूंगी तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे उसके बाद देखिए अब इस कोने और इस कोने को मिलाते हुए एक और समिति की रेखा हम खींच सकते हैं तो देखिए ये समिति की एक, एक और रेखा खींच दी हमने ठीक है अभी आकृति के ये दो बराबर भाग हो गए अब इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाते हुए एक और समिति की रेखा खींच सकते हैं हम तो देखिए अब ये एक और समिति की रेखा खींच दी हमने अभी आकृति के ये दो बराबर भाग हो गए हैं ठीक है तो देखिए इस आकृति में हम कितनी सम्मिति रेखाएं खींच सकते हैं देखिए एक दो तीन चार चार सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं तो सी पार्ट का आंसर क्या है चार कि चार सम्मित रेखाएं हम खींच सकते हैं अब डी पार्ट में देखिए ये आकृति बनी है इसमें हम कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं देखिए सबसे पहले तो ठीक सेंटर में हम इस तरह से एक सम्मित रेखा खींच लेंगे तो देखिए ये एक सम्मिति की रेखा हमने इसमें खींची देखिए अभी साकृति के ये दो बराबर भाग हो रहे हैं अगर इस भाग को उठाकर इस तरह से इस भाग के रूप रखूंगी तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढक लेंगे अब देखिए इस आकृति में हम सिर्फ एक ही सम्मित रेखा खींच सकते हैं अब देखिए अगर मैं ऐसे में सम्मित रेखा खींचूंगी तो देखिए तभी साकृति के ये दो भाग होंगे अब देखिए ऊपर वाला जो भाग है इसमें तो देखिए ये एक मुँह बन रहा है ठीक है फेस बन रहा है पर नीचे वाले भाग में ऐसा कुछ नहीं बन रहा तो देखिए नीचे वाले भाग ऊपर और नीचे वाले भाग जो दोनों बराबर नहीं है ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ हम एक ही सम्मित रेखा खींच सकते हैं तो देखिए डी पार्ट का आंसर है एक कि हम इसमें सिर्फ एक सम्मित रेखा खींच सकते हैं अब ई पार्ट देखिए ई पार्ट में देखिए एक शडभुज की आकृति बन रही है इसकी छः भुजाएँ हैं ठीक है थीके, अब इसमें कितनी सम्मित रेखा खींच सकते हैं ये बताएं तो सबसे पहले तो देखिए इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाते हुए एक सम्मित रेखा खींच लेंगे तो देखिए एक समित रेखा हमने खींच लिया इस आकृति के ये दो बराबर भाग हो गए अगर इस भाग को उठाकर इस तरह से दूसरे भाग के ऊपर रखूंगी तो दोनों एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढक लेंगे ठीक है उसके बाद देखिए इस कॉर्नर और इस, इस कॉर्नर को मिलाते हुए एक दूसरी समित्र रेखा में खींच लूंगी तो देखिए इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाते हुए ये दूसरी समित रेखा खींच ली अब इस आकृति के देखिए ये दो भाग हो गए एक भाग देखिए ऐसा है और दूसरा भाग देखिए इस आकृति के अगर इस भाग को उठाकर इस तरह से दूसरे भाग के ऊपर रखूंगी तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे ठीक है उसके बाद देखिए इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाती हुई एक को तीसरी सम्मित रेखा में खींच सकती हूँ तो देखिए ये तीसरी सम्मित रेखा मैंने खींच दी अब इस आकृति के ये दो भाग हो गए हैं ठीक है थीके? अब देखिए अब आप ये भुजा देख रहे हैं ठीक है और इसके सामने वाली ये भुजा देख रही है, ठीक है अब देखिए इस भुजा का सेंटर ले लीजिए ठीक है और इस भुजा का भी सेंटर ले लीजिए अब इन दोनों सेंटर को मिलाते हुए हम चौथी सम्मित रेखा खींच सकते हैं तो देखिए ये चौथी रेखा मैंने खींच दी है अभी आकृति के देखिए ये दो भाग हो गए एक भाग ऐसा बना है और दूसरा भाग जो है इस शेप का बना है ठीक है दोनों बराबर भाग हो गए हैं ठीक है उसके बाद देखिए चार सम्मित रेखाएं हमने खींच दी उसके बाद देखिए ये भुजा ले लीजिए और इसके सामने वाली भुजा ये अब इस भुजा का सेंटर ले लिया ये है ठीक है और इस भुजा का सेंटर ये है अब इन दोनों सेंटर को मिलाती हुई ये पाँचवीं सम्मित रेखा हम खींचेंगे तो देखिए एक पाँच ही रेखा हमने ये खींच दी ठीक है अब देखिए ये भुजा और ये भुजा रह गई है अब इस भुजा का ये सेंटर ले लिया और इस भुजा का सेंटर ले लिया ठीक है अब इन दोनों सेंटर को मिलाती हुई एक और सम्मित रेखा खींच देंगे ये छठी सम्मित रेखा हो जाएंगी तो देखिए ये एक और सम्मित रेखा हमने खींची तो इस आकृति में हम कुल छः सम्मित रेखाएँ खींच सकते हैं तो ई पार्ट का आंसर है छः यानी हम छः सम्मित रेखाएँ खींच सकते हैं अब एफ पार्ट में देखिए हमें ये आकृति दी गई है अब इसमें हम कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं ये बताना है तो देखिए यहाँ पर ये एक वर्ग बना हुआ है ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा कि एक वर्ग में हम चार सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ इस तरह से सेंटर में एक सम्मित रेखा खींच देंगे तो देखिए एक सम्मित रेखा ये हो गई इस आकृति के ये दो बराबर भाग हो रहे हैं ठीक है फिर एक सम्मित रेखा हम इस तरह से खींच सकते हैं ठीक सेंटर में तो देखिए ये दूसरी सम्मित रेखा हमने दी अब इस आकृति के ये दो बराबर भाग हो गए ठीक है अब देखिए हमने जो है इस वर्ग में एक सम्मित रेखा इस तरह से खींची थी इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाते हुए अब देखिए अगर मैं इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाते हुए एक सम्मित रेखा खींचूंगी तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये देखिए एक शटभुज भी बन रहा है ठीक है अब देखिए अगर मैं इस कॉर्नर इस कॉर्नर को मिलाते हुए ये सम्मित रेखा खींच रही हूँ तो, तो देखिए जो वो सम्मित रेखा है वो इस भुजा के सेंटर से होके नहीं जा रही और ना ही इसके सामने वाली भुजा जो है इसके सेंटर से होके जा रही है देखिए ये सम्मित रेखा इस तरह से जाएगी ठीक है तो देखिए यहाँ से जाएगी ठीक है और फिर यहाँ से जाएगी ठीक है तो देखिए ये इस भुजा का सेंटर नहीं है और ना ही ये इस भुजा का सेंटर है तो मैं ऐसे में सम्मित रेखा नहीं खींच सकती हूँ ठीक है फिर उसके बाद देखिए अब अगर इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाते हुए मैं एक सम्मित रेखा खींचूंगी तब देखिए तब वो सम्मित रेखा जो है षडभुज की इस भुजा और इस भुजा के सेंटर से होके नहीं जाएगी देखिए ऐसे में जाएगी सम्मित रेखा यानी भुजा के यहाँ से होके जाएगी और फिर इस भुजा के देखिए यहाँ से होके जाएगी अब देखिए ये जो है इस भुजा का सेंटर नहीं है भुजा का सेंटर तो ये है इसी तरह से इस भुजा का सेंटर देखिए ये है पर वो जो सम्मित रेखा वो यहाँ से जा रही है तो देखिए इन भुजाओं के सेंटर से होके नहीं जा रही है तो देखिए इस आकृति में मैं सिर्फ दो ही सम्मित रेखा खींच सकती हूँ एक ऐसे और एक ऐसे तो देखिए तो देखिए एफ पार्ट का आंसर है दो कि हम इसमें दो सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं जी पार्ट में देखिए अब हमें ये आकृति दी गई इसमें हम कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं ये बताना अब देखिए अगर मैं इसमें इस तरह से एक सम्मित रेखा खींचूंगी, तो देखिए जब मैं इस भाग को उठा कर रखूँगी तो देखिए ये भाग जो है यहाँ आएगा ठीक है ये दोनों भाग जो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे ये भाग जो है उठ कर यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक रहे हैं तो मैं ऐसे में सम्मिति की रेखा नहीं खींच सकती हूँ अब देखिए अगर मैं ऐसे में सम्मति की रेखा खींचूंगी तब भी ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे तो जी पार्ट में जो आकृति बनी है इसमें हम कोई सम्मिति की रेखा नहीं खींच सकते हैं यानी इसमें जो है हम सम्मित रेखा नहीं खींच सकते तो देखिए जी पार्ट का आंसर है ज़ीरो क्योंकि हम इसमें कोई सम्मित रेखा नहीं खींच सकते अब एच पार्ट में मैं देखिए ये आकृति दी गई इसमें बताने हम कितनी समिति की रेखाएं खींच सकते हैं तो देखिए अगर मैं इसमें इस तरह से बीच में एक समिति की रेखा खींचूंगी तो देखिए तभी आकृति के ये दो भाग होंगे अब देखिए ये दोनों भाग जो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे क्योंकि देखिए जो ये वाला भाग है इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला है और जो ये वाला भाग है इसका मुंह जो है देखिए इस तरफ खुला हुआ है जब मैं इस भाग को उठाकर इसके ऊपर रखूंगी तो देखिए इसका मुंह तो ऊपर की तरफ खुला आएगा और इसका मुंह यहाँ इस तरफ खुला आ रहा है तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे इसी तरह मैं इसमें ऐसे में भी सम्मिति की रेखा नहीं खींच सकती हूँ ना ही ऐसे खींच सकती हूँ तो इसमें भी समिति की रेखा नहीं खींच सकती हूँ तो एच पार्ट का आंसर है जीरो क्योंकि इसमें हम कोई सम्मित रेखा नहीं खींच सकते अब आई पार्ट में देखिए एक फूल बना हुआ है ठीक है अब इसकी हमें बताना है इसमें कितनी समिति की रेखा खींच सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये फूल है और ये इसकी ये पंखुड़ियां बनी हुई हैं अब आई पार्ट में देखिए ये एक फूल है और ये इसकी पंखुड़ियां बनी हुई है अब हमें बताना है कि इसमें हम कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो ये पंखुड़ी ले लीजिए और इस पंखुड़ी का ये सेंटर ले लिया हमने ठीक है अब इस पंखुड़ी के सामने देखिए ये दो पंखुड़ियाँ हैं और इनका देखिए इन दोनों पंखुड़ियों के बीच में जो ये सेंटर है ये ले लिया अब इन दोनों सेंटर को मिलाती हुई एक सम्मित रेखा हम ऐसे में खींच लेंगे तो देखिए एक सम्मित रेखा हमने खींच दी अगर इस आकृति के देखिए अब दो भाग हो गए हैं जब इस भाग को मैं उठाकर इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे उसके बाद अब ये पंखुड़ी ले लीजिए और इसके सेंटर ये ले लिया अब इस पंखुड़ी के सामने कौन सी पंखुड़ियाँ ये दो पंखुड़ियाँ इन दोनों पंखुड़ियों के बीच का ये सेंटर ले लीजिए और इन दोनों सेंटर को मिलाती हुई जो है एक सम्मित रेखा खींच देंगे इनका सेंटर ये ले लिया तो देखिए अब ये एक और सम्मित रेखा खींच दी हमने तो देखिए दो सम्मित रेखाएं खींच दी हमने उसके बाद देखिए तीसरी पंखुड़ी ले लीजिए अब इसका सेंटर ये ले लिया हमने ठीक है और इसके सामने कौन सी हैं दो पंखुड़ियाँ है ये और इनके बीच का ये सेंटर ले लिया ठीक है अब इन दोनों सेंटर को मिलाते हुए एक तीसरी सम्मित रेखा हम खींच सकते हैं तो देखिए अब तीसरी सम्मित रेखा हमने ये खींच दी है ठीक है फिर उसके बाद देखिए अब ये पंखुड़ी ले लीजिए इसका सेंटर हमने ये ले लिया और इसके सामने ये दो है, ठीक है और इन दो पंखुड़ियों के बीच जो है देखिए ये सेंटर ले लिया हमने अब इन दोनों सेंटर को मिलाते हुए एक और सम्मित रेखा हम खींच लेंगे चौथी सीमित रेखा हम खींच लेंगे तो देखिए ये चौथी सम्मित रेखा हमने खींच दी है ठीक है उसके बाद देखिए अब ये पंखुड़ी रह गई है ठीक है अब इस पंखुड़ी का सेंटर हमने ये ले लिया और इसके सामने देखिए कौन सी पंखुड़ियाँ ये दो पंखुड़ियाँ और इनका सेंटर ये ले लिया अब इन दोनों सेंटर को पिलाती हुई हम एक पाँचवी सम्मित रेखा खींच लेंगे तो देखिए पांचवी सम्मित रेखा खींच दी हमने तो हमने सारी पंखुड़ियाँ एक एक करके ले ली हैं तो यहाँ पर इस आकृति में हम पांच सम्मित रेखाएँ खींच सकते हैं तो देखिए आई पार्ट का आंसर क्या आया पांच यानी हम पांच सम्मित रेखाएँ खींच सकते हैं तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन सोल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू